आपका? कहाँ रहते हैं आप? थाना शीशगढ़। क्या समस्या आपकी? सर समस्या ऐसा, सर मैं शनिवार को गया था वहाँ बिल जमा करने, दो रेनिया, ठीक है सर, बिल जमा करने गया था। उससे दो तीन दिन पहले एक लड़के फ़ोन आया था, ठीक है, फिर उसके बाद जिस दिन मैं दौड़निया था तो वो लड़की फ़ोन कर रही, बोले आप कहाँ हो? तो मैंने, मैं तो यहाँ दौड़निया बिल जमा करने आया था, फिर ठीक है। वो लड़की मुझसे बोली मेरे पापा अधिकारी हैं बिजली विभाग के, ठीक है, वो बिल कम करा देंगे, आप यहाँ आ जाओ कर्मचारी नगर। मैं कर्मचारी नगर वहाँ पहुँच गया, 5:30 बजे का टाइम था, लगभग 7:30 बजे, ठीक है। एक मिनट होता नहीं, वो लड़की जैसे वो 5 लोग आ गए एक दो मिनट के बाद में। आप उनको पहचानते हैं? जी। अब वो आपके परिचित थे? नहीं सर, कभी नहीं। अच्छा, फिर जब वो 5 लोग वहाँ पहुँचते हैं, वो लड़की तुरंत निकल कर भाग जाती है। अच्छा। और वो लोग मुझसे मेरी वीडियो बनाते हैं, मेरे कपड़े उतरवा के कह रहा वीडियो बनाऊंगा। कहाँ पे? वहीं रोड पे ही? नहीं, वो अपने मकान में, वो नेताजी जी को है, ये मेरा मकान है। तो आपको साथ लेके गए वो? क्या तुरंत आ गए थे वो वहीं पर? अच्छा, आप उनके मकान पे पहुँचे थे? 8:30 थी, क्या क्या नहीं इसका मुझे नहीं पता। अच्छा, वो तुरंत आ गए। फिर उसके बाद में मेरी जिम्मा 1200 रुपये थे, ठीक है, वो 1200 रुपये उन्होंने निकाल लिए। फिर 1200 रुपये निकालने के बाद में वो अपने ऑफिस ले गए मुझे, बोला ऐसा चलो मसला निपट जाएगा, 1.5 लाख रुपये आपको देना पड़ेंगे। कौन सा ऑफिस था? कर्मचारी नगर से थोड़ी हटके इधर को एक ऑफिस। काय का ऑफिस है? देखा था आपने? रात का समय था सर। अच्छा अच्छा, फिर उसके बाद वहाँ ले गए, मुझसे बोले, मैंने कहा सर पैसे तो नहीं है मेरे पास, तो बोले चेक मंगाओ। तो मैंने मेरे भाई को फ़ोन करके चेक मंगा लिया, चेक मंगा लिए। फिर उसकी मोर ना लेकर आया, बोले मोर मंगाओ। मैंने कहा सर मोर का ध्यान नहीं रहा, बोले साले झूठ बोल रहा है, ऐसा पैसा, बोले ऐसा कर चौकी पर चलते हैं, ये बोलना 14 मार्च को मैंने 1.5 लाख रुपये लिए थे, वो अब तक वापस नहीं कर पाया है ना, पुरानी दुकान के लिए लिए थे, वो आज ये मतलब मुझे मिल गया बरेली में, तो मैंने इन्हें पकड़ लिया, जो ये कह रहा है कि कल 50,000 दूंगा, बाकी सोमवार को दे दूंगा। अच्छा,